क्या ही साउंड है भाई, वो धुआं वगैरह निकल गया है भाई। भाई 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 मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कूद जाता हूँ, मैं कूद जाता हूँ। विनर लिस्ट पे आ गया, खैर गाइस विनर लिस्ट पे खैर आ गया गाइस, वो विनर लिस्ट पे आ गया। आप लोगों ने देखा भाई, ओ लो भाई साहब। Hey guys, welcome back to another video guys, आशा करता हूँ लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो guys, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इंडिया की तरफ से भाई हम लोगों का बहुत ज्यादा बाइक्स वगैरह है, पाकिस्तान की तरफ से भी भाई बहुत सारा बाइक्स है। फिलहाल इंडिया की तरफ से हम लोगों ने भाई नया नया कुछ बाइक एड्स कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई इंडियन फेमस बाइक स्प्लेंडर एंड इंडियन फेमस बाइक भाई स्कूटी हम लोगों का यहाँ पर है एक्टिवा एंड यहाँ पर एक्सेल 100 जो कि हम लोग हेवी ड्यूटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिलहाल देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारा बाइक्स वगैरह ऐड कर लिया, जो कि हम लोगों के पास है डुकाटी एंड यहाँ पर फायर ब्लेड एंड यहाँ पर होंडा का एक स्कूटी भाई। तो बहुत सारा बाइक्स यहाँ पर हम लोगों का है एंड फाइनली आज हम लोग करने वाले हैं भाई इंडियन बाइक वर्सेस पाकिस्तानी बाइक भाई खतरनाक जंपिंग चैलेंज, जो कि आप लोग देख सकते हो भाई फुल स्पीड में हम लोग अपने बाइक वगैरह को लेकर चलेंगे। एंड इधर पे देख सकते हो भाई पानी के ऊपर भाई बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग वगैरह को क्रॉस करके गाइज इधर तक आना पड़ेगा। जो बाइक गाइज इधर तक आ जाएगा वो बाइक विनर लिस्ट पे आ जाएगा, लेकिन जो बाइक पानी में गिर जाएगा या तो यहाँ पर जाके लड़ जाएगा वो गाड़ी फेलियर लिस्ट पे आ जाएगा। तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंड मजेदार गेम प्ले है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरा भाई लोग। तो मिलते किसी तो पहले अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से भाई सब अपना R15 वर्जन 3 को। तो गाइस फटाफट अपने वर्जन 3 को लेकर चलते हैं भाई, फुल स्पीड में जंप करवाएंगे, देख लेंगे भाई यहां पर R15 वर्जन 3 का परफॉर्मेंस फुल पावर। गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो भाई पानी में गिरना तो छोड़ो भाई, ये तो मतलब कितना ही आगे जाके गिर रहा है भाई, आप लोग देख सकते हो भाई सब उतना भी आगे नहीं। नहीं भाई मुझे लगा था आगे जाके गिरेगा, लेकिन ठीक भाई ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, भाई पानी में ही गिरा गाइस आप लोग देख सकते हो। भाई मुझे लगा था सबसे आगे जाके गिरेगा, लेकिन नहीं भाई ये बाइक तो भाई वहां पर ही गोल गोल घूम रहा था। एंड भाई R15 वर्जन 3 अपना हो चुका है फेल, लेते भाई नेक्स्ट पाकिस्तानी बाइक। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तानी निंजा ZX6R, तो फुल पावर अपना 6R भी जंप करवाएंगे, देख लेंगे गाइस 6R का परफॉर्मेंस। गाइस आप लोग देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस आई थिंक सही है भाई, सही जा रही है, हाँ गाइस एकदम बराबर जा रही है। एंड भाई साहब ये तो भाई बहुत ही आगे निकल चुका है, लेकिन अपना R15 वर्जन 3 पे भाई साहब अलग ही सीन हुआ था भाई, मतलब एक ही जगह पे घूम के घूमते भाई एकदम सीधा जाके पानी में गिर गया। खैर गाइस यहाँ पर अपना जो कि पाकिस्तान का निंजा ZX6R है वो तो विनर लिस्ट पे आ चुका है, तो पाकिस्तान का हो चुका है 1 पॉइंट, लेते हैं भाई नेक्स्ट इंडियन बाइक। तो बॉयज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से भाई साहब अपना भाई साहब रॉयल एनफील्ड, जो कि हम लोग का बुलेट है, तो बुलेट को भी ले चलते हैं भाई लोग, देख लेते हैं फुल पावर भाई यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा इसका कंट्रोल भाई बाहर चला गया और थोड़ा कंट्रोल से बाहर चला गया, नहीं तो भाई ये मतलब आराम से विनर लिस्ट पे आ ही जाता भाई साहब, ये कंट्रोल से फुल बाहर चला गया, ये भी फेलियर लिस्ट पे आ गया, लेते भाई नेक्स्ट हम लोगों का भाई। अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से गाइस पाकिस्तानी यहाँ पर होंडा का स्कूटी, तो भाई फुल पावर बैटरी का स्कूटी है क्या भाई साहब, आई थिंक ये बैटरी का ही है भाई। ओ भाई साहब ये तो फुल ही लड़ गया भाई, एकदम भाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से गाड़ी लड़ गया। एंड यहाँ पर अपना पाकिस्तानी बाइक भी हो चुका है गाइस फेल, तो लेते हैं अपना नेक्स्ट इंडियन बाइक। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से अपना KTM RC 390 फुल पावर गाइस, आप लोग देख सकते हो अपना KTM RC 390 भाई साहब अलग ही परफॉर्म किया। ओके 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 अभी तो विनर लिस्ट पे आना बनता ही है भाई, पानी में तो गिरना है ही नहीं हम लोगों को। ओ पानी में गिरेगा क्या, पानी में गिरेगा क्या, हाँ हाँ ओ भाई ये भी पानी में ही गिरा भाई साहब, आप लोग देख सकते हो मुझे लगा था भाई ये भी मतलब हो जाएगा, लेकिन नहीं यार ये भी फेलियर लिस्ट पे आ गया, मतलब अलग ही भाई सीन चल रही है, लेते अपना नेक्स्ट बाइक। ऑलराइट तो बॉयज पाकिस्तान की तरफ से अभी हम लोग लेके चल रहे हैं निंजा ZX, मतलब ZX बोल रहा हूँ, निंजा H2, तो गाइस फटाफट अपना H2 को भी ले चलते भाई लोग, देख लेते हैं यहाँ पर फुल पावर भाई। H2 ने भी जंप ले लिया, ये भी थोड़ा भाई कंट्रोल से बाहर चला गया, खैर अभी देखते हैं भाई H2 के अंदर तो पावर भाई नो डाउट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन 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 भाई देखो मतलब ये बाइक भी फेलियर लिस्ट पे आ चुका है, जो गाड़ी का कंट्रोलिंग सही है ना भाई वो बाइक यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो लेते हैं नेक्स्ट इंडियन बाइक। और आई तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से अपना सुपर ड्यूक, तो फटाफट अपने सुपर ड्यूक को भी ले चलते हैं भाई लोग, एकदम बराबर चलना है हम लोगों को, एकदम बराबर चलना है भाई साहब। इसमें तो धुआं निकल गया भाई साहब, लेकिन अभी तो विनर लिस्ट पे आना बनता ही है, हाँ विनर लिस्ट पे खैर हम लोग आ चुके हैं, अभी जाके इंडिया का भाई 1 पॉइंट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का ऑलरेडी 1 पॉइंट हो चुका है, कोई बात नहीं है भाई। ये बाइक भी आई थिंक ब्लास्ट भी हो जाएगा, देखो भाई ब्लास्ट ना हो जाए,
गया अरे बाबा गया। चलो आप लोग याद रखना, इंडिया का ऑन पॉइंट हो चुका है, पाकिस्तान का भी ऑन पॉइंट ऑलरेडी है, तो अभी लेंगे नेक्स्ट भाई हम लोगों का पाकिस्तानी भाई। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से सीवी मतलब सीवीआर 1000 फायर ब्लेड, तो फटाफट अपना फायर ब्लेड को भी ले चलते हैं। ओके फुल पावर भाई, इसने तो तगड़ा जंप ले लिया भाई, इसने तो तगड़ा जंप ले लिया खैर आप लोग देख ही सकते हो। एंड भाई ये आई थिंक भाई निंजा जेड एक्स 6R से भी आगे गिरेगा। हाँ भाई ये निंजा जेड एक्स 6R का मतलब उसका भी उससे भी ज़्यादा पावरफुल बाइक है, 150 है, उससे भी आके गिरा भाई। चलो सही है भाई, पाकिस्तान का हो गया 2 पॉइंट, इंडिया का 1 पॉइंट है, लेते हैं भाई नेक्स्ट इंडियन भाई। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से हायाबुसा, तो बॉयज अपना हायाबुसा भाई हेवी बाइक भाई, हेवी मतलब बहुत ही ज़्यादा हेवी बाइक है। खैर गाइस देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस, फुल पावर गाइस जा रही है अपना ये वाला बाइक भी। एंड ओके ओके क्रॉस कर जाएगा ना? हाँ भाई क्रॉस तो कर गया, चलो इंडिया का हो गया 2 पॉइंट भाई, मुझे लगा था क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। चलो 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 फाइनली गाइस ये भाई भी हम लोगों का, ओ भाई वाटा लैंडिंग। चलो लेते हैं भाई नेक्स्ट हम लोगों का पाकिस्तानी बाइक। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी मोस्ट डिमांडेबल बाइक होंडा सिटी, तो 70cc वाला बाइक है भाई, बहुत ही अच्छा बाइक है भाई, बहुत ही अच्छा बाइक है। एंड परफॉर्म देख लो भाई, भाई भाई इस बाइक का परफॉर्म देख लो। कह रहे गाइस यहाँ पर हम लोगों का बाइक थोड़ा डिसकंट्रोल हो गया, लेकिन 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 क्या विनल इस पर आ पाएगा या नहीं वही हम लोग देख लेंगे। आई थिंक चला आएगा, ओ ओ ओ ओ भाई आ गया, गाड़ी ऑन है न, ओ ओ भाई बंद हो गया, अभी जाके बंद हो गया, ये देखो अभी जाके बंद हो गया, देखो गाड़ी में बैठ नहीं रहा, तो इससे तो हम लोग बिना लिस्ट पे नहीं पकड़ पाएंगे गाइस, जो है वो है, कोई बात नहीं गाइस लेते अपना नेक्स्ट इंडियन बाइक। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा इंडिया का भी 2 पॉइंट है, पाकिस्तान का भी 2 पॉइंट है, अभी हम लोग भाई इंडिया की तरफ से इंडियन मोस्ट डिमांडेबल बाइक अपना हीरो सुपर स्प्लेंडर लेके चल रहे हैं भाई साहब, अलग ही पावर। तो गाइस इसे भी ले चलते हैं भाई, ओ भाई साउंड नहीं आ रहा भाई, इसका भी साउंड भाई साउंड ही नहीं आ रहा, अभी जाके आया, अरे बाप रे भाई, चलो गिरा नहीं है, वही बहुत अच्छी बात है, अभी तक गिरा नहीं है, तो इसे हम लोग ना वापस से रिट्राई दे पाएंगे, अगर गिर जाता तो भाई समझो फुल फेलियर लिस्ट पे आ जाता। चलो अभी मैं वापस ऊपर चलूँगा एंड देखूँगा गाइस, लेट्स गो भाई, क्लाइंबिंग टेस्ट भाई बहुत ही तगड़ा वाला हो रही है, बहुत ही तगड़ा वाला हो रहा था, इसे भाई ऊपर करते हैं। तो गाइस वापस हम लोग अपने हीरो सुपर स्प्लेंडर को रिट्राई दे रहे हैं, देख लेते हैं बॉयज अपना इस वाला बाइक का परफॉर्मेंस, थोड़ा व्हीली मारते हुए ले जाना पड़ेगा नहीं तो लड़ जाएगा। हाँ देखो गाइस मैंने बोला ना जो गाड़ी लड़ जाता है उसे ऐसे करके थोड़ा व्हीली दे देना पड़ेगा भाई, क्रॉस कर जाना प्लीज़ यार, प्लीज़ भाई क्रॉस तो कर जाएगा, मे बी क्या यार कर ही नहीं पाया यार, सीट मुझे लगा था क्रॉस कर जाएगा लेकिन नहीं कर पाया, दोनों कंट्री का चल रहा है सेम पॉइंट भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रही है, लेते नेक्स्ट भाई। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग, ओ ओ ओ भाई, ओ भाई अलग ही सीन है, अरे भाई गाड़ी में तो बैठो भाई, ये क्या कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है भाई, अरे अलग ही नशा भाई, इसका अलग ही नशा होता है भाई, अरे गाड़ी में बैठो। चलो भाई अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से डुकाटी भाई, ओ ओ ओ क्या ही साउंड है भाई, ओ धुआं वगैरह निकल गया है भाई, भाई 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 मैं मर जाऊंगा, मैं कूद जाता हूँ, विनर लिस्ट पे आ गया खैर गाइस, विनर लिस्ट पे आ गया, आप लोगों ने देखा भाई, ओ लो भाई साहब कई सीन हो गया, ये तो विनर लिस्ट पे खड़ा चुका है भाई, लेते हैं नेक्स्ट इंडियन भाई। तो बस जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई पाकिस्तान का तो हो चुका है 3 पॉइंट, लेकिन इंडिया का अभी तक 2 पॉइंट है, ये अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं होंडा का गोल्ड विंग भाई, बहुत ही ज़्यादा हेवी बाइक है, दैट्स व्हाई भाई फुल पावर इसके मतलब 265 ही इसका एकदम लास्ट हम लोगों का पावर था। फिलहाल देख लेते हैं भाई क्या हम लोगों का होंडा की गोल्ड विंग भाई क्रॉस कर पाएगा, मुझे लगता है भाई क्रॉस कर चुका, नहीं लगता तो था लेकिन नहीं हुआ, थोड़ा और आगे जाके गिरता भाई, इधर पे आके, ये देखो इधर भी आके गिर जाता ना भाई, विनर लिस्ट पे आ जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, लेते हैं नेक्स्ट बाइक। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भाई R1 भाई फेसलिफ्ट वाला मॉडल लेकर चल रहे हैं, फटाफट इसे भी ले चलते हैं भाई साहब, ये भाई मतलब गिर ही गया भाई, क्रैश होके गिर गया, तो ये बाइक भी फेलियर लिस्ट पे आ गया, लेते अपना नेक्स्ट बाइक इंडियन बाइक।
एंड गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं अपने इंडिया ने पाकिस्तान दोनों कंट्री से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी कंट्री को मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। तो यार कोई भी दिल पे मत लेना भाई लोग, ये सिर्फ एक गेम है यार, रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करना है। तो फिलहाल अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया का तरफ से भाई अपना TVS का XL, जो कि हम लोग हैवी ड्यूटी बोलते हैं। तो भाई अपना हैवी ड्यूटी बाइक, अपना हैवी ड्यूटी बाइक इंडिया की तरफ से फुल पावर भाई साहब। भाई इससे अभी क्या ही जम करवाए हम लोग, अलग ही सीन हो गया यार, अलग ही सीन हो गया यार इसमें तो। अरे भाई साहब, अरे अरे गिर गया भाई, गिर गया। और तो भाई अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेके चल रहे भाई एक मतलब मसल बाइक, तो फटाफट इस बाइक को भी ले चलते हैं, देख लेते हैं इस मसल बाइक का परफॉर्मेंस। फुल पावर गाइस 291 के स्पीड में, खैर मुझे लगता है कर जाएगा क्योंकि इसका लॉन्चिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था। यस बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। नहीं हो गया भाई साहब, मुझे लगा था नहीं होगा, लेकिन चलो हो गया। पाकिस्तान का 4 पॉइंट हो चुका है, इंडिया का ऑलरेडी 2 पॉइंट पे अटका है। तो लेते भाई नेक्स्ट इंडियन भाई। ऑलराइट द बॉयज, इंडिया की तरफ से हम लोगों का फेमस स्कूटी भाई साहब होंडा एक्टिवा को लेकर चल रहे हैं। इसका क्या ही साउंड आ रही है भाई साहब, ओ नो, ओ भाई साहब 255 की स्पीड में, मतलब नहीं होगा। अभी देखना पड़ेगा गाइज अपना होंडा हाँ भाई होंडा का एक्टिवा कैसा परफॉर्म कर पाता है। होंडा का एक्टिवा होता है या हीरो का गाइज, हीरो का एक्टिवा होता है ना। हाँ भाई कर लिया यार, मुझे लगा था कर नहीं पाएगा लेकिन कर लिया। चलो यहाँ पर पॉइंट हो चुका है इंडिया का 3 पॉइंट, लेकिन पाकिस्तान का ऑलरेडी 4 पॉइंट है। लेते हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी बाइक। ऑलराइट तो भाई अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से भी लास्ट बाइक लेकर चल रहे हैं, जो कि एक BMW का है भाई साहब। अलग ही पावर 267 पे लॉक हो गया, बस 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 विनर लिस्ट पे तो आ गया गाइज, क्योंकि इसका जो टॉर्क था ना भाई, मतलब अलग ही लेवल पे इसका टॉर्क था। एंड विनर लिस्ट पे पूरा आ चुके हैं हम लोग, अभी कुछ करे या ना करे फिर भी हम लोग आ गए विनर लिस्ट पे। एंड भाई पाकिस्तान का 5 पॉइंट हो चुका है, इंडिया का 3 पॉइंट, तो 2 पॉइंट आगे जीत जाता है पाकिस्तान। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, हारना जीतना लगा रहता है, गेम है भाई साहब। तो आज के लिए वीडियो से भी नहीं था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सो टाटा एंड ओके ओके ओके, बाय बाय बॉयज, बाय 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 बाय।